हमारी जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पुलिस एकेडमी है हैदराबाद में वहाँ पे हुई है, तो वहाँ हम लोग की 10 महीने की ट्रेनिंग। कैसी थी वो ट्रेनिंग 10 महीने की? हमने जैसा फिल्मों में देखा है वैसी ही थी? सख्त या बहुत सख्त? इनफैक्ट हम लोग जब एकेडमी में जाते हैं तो एकदम नॉर्मल ही इंसान, कई बार शायद हम लोगों में से कभी किसी ने कोई फिजिकल एक्सरसाइज भी ना किया हो, कभी कोई दौड़ा नहीं हो, चाहे तैरना नहीं आता हो या घुड़सवारी जैसी जो चीज़ें होती हैं, ड्रिल, तो मैं कहूँगी कि 10 महीने में हम लोगों ने बहुत तरीके की चीज़ें सीखी, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है और एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब हम पास आउट होते हैं, पासिंग आउट परेड, हमारा पूरा बैच जो है जो वो फाइनली जो है अपना अंतिम पग लेकर के निकलता है, कि वो एक फीलिंग रहता है कि हाँ हमने कर लिया। हम लोग 40 किलोमीटर SLR लेकर के विद वो जो पिट्ठू बैग होता है वो करना, 16 किलोमीटर दौड़ना वो भी एक टाइम में, घुड़सवारी उसमें जो आपके जंप्स होते हैं वो सब भी, इवन स्विमिंग की मतलब 50 मीटर का जो ओलंपिक साइज पूल होता है, डाइव करना, स्कूबा डाइविंग, हम लोगों को बंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, इवन पैराशूट ग्लाइडिंग, सब कुछ सिखाया गया। किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार कर दिया जाता है। कोई होता है सुबह उठने, रात को सोने का भी टाइम टेबल सही होता है? जी बिल्कुल, वो ऐसा है कि वहाँ पर अगर वहाँ पे एक सेकंड वाली चीज़ है, अगर आप सेकंड भी देर होते हैं तो उसकी पनिशमेंट भी कड़ी होती है। कैसी पनिशमेंट? मतलब या तो आपको दौड़ना है, अकेडमी के चक्कर लगाइए, तो हमारा अकेडमी वाली जो 5 किलोमीटर है जो को, और वो भी आपके क्लासेस के अलावा, और बहुत ही डिसिप्लिन, मतलब हम लोगों को मॉर्निंग में 5 बजे फॉल इन करा दिया जाता था, और उसमें उसके करीब 2.5 घंटे के आसपास सुबह फिज़िकल वर्कआउट होता था, उसमें आपको जो है कॉम्बैट ट्रेनिंग देना, ड्रिल करवाना, नॉर्मल PT, रनिंग, वो सब, हॉर्स राइडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, फिर हम लोगों की करीब 9 बजे से 1:30 बजे तक जो क्लास, जो हमारे पेपर्स होते हैं जैसे CRPC, IPC, लॉ एंड ऑर्डर करके काफ़ी पेपर्स होते हैं करीब 14-15, वो होता था। फिर हमारी अगेन लंच के बाद 3 बजे से फिर 6 बजे फिर हमारा आउटडोर, जिसमें हमें गेम्स या जो भी शेड्यूल है, उन एक नंबर ऑफ़ क्लासेस होती हैं कि हमारी स्विमिंग में 30 क्लासेस कंप्लीट करानी होती है, उन्हें 40 क्लासेस इसकी होती या अल्ट्रा कॉम्बैट वगैरह की, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट। जब हम लोग रूम पर शुरुआत में तो आदत सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ एकदम लाइफ बदल गई थी, डिसिप्लिन में आना एक वो एक चीज़ होती है, काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो कि आई थिंक रिक्वायर्ड है, अगर हम डिसिप्लिन नहीं होंगे तो हम इंश्योर नहीं करा पाएंगे। और साथ में ये भी है कि हमें ये भी पता रहता है कि कितना डिफ़िकल्टी होता है, यू कैन फील, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हमने बहुत चीज़ें बाद में ना करनी पड़े, लेकिन बिकॉज हम जान रहे हैं कि क्या होता है तो हैवी मोर सिंपथेटिक। कभी ऐसा हुआ कि आपको उठने में देर हुई हो या ड्रिल के लिए पहुंचने में पनिशमेंट मिली हो? नहीं, हम लोग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, हम लोग के यहाँ बडी कॉन्सेप्ट होता है, बडी का कॉन्सेप्ट है कि स्क्वाड बनाए जाते हैं, बडी का है कि उसकी जिम्मेदारी है, और एक चीज़ और थी कि अगर कोई डिले होता था तो पूरे स्क्वाड को पनिशमेंट मिलती थी, तो फिर उसमें तो इंश्योर कराएगा ही, अगर कोई डिले हो गया तो उसके चक्कर में पूरा स्क्वाड सफ़र करेगा, तो हम लोग की बड़ी अच्छी जिम्मेदारी रहती थी कि मतलब पता रहता था कि भाई किसी को डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर उठने में, तो वो पहले से ही मतलब फ़ोन कर दिया जाता था कि भाई उठ जाओ और पहुंच जाओ, तो वो एक टीम बिल्डिंग जो है कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो सबको रिवॉर्ड मिलेगा, ये नहीं कि फन पर्सन, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो सबको ही झेलना पड़ेगा।